हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी लाइफ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हम सबका फेवरेट आलू के पराठे की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप परफेक्ट फूले फूले पराठे घर पे आराम से बना सकेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर चलते हैं किचन में और इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और पहले इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेंगे। पराठे के लिए आटा हमें बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए लगाते हैं। डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट या सॉफ्ट नहीं रखना, क्योंकि अगर आटा बहुत ज़्यादा टाइट या सॉफ्ट लग जाएगा तो पराठे फट सकते हैं। तो पराठा बनाने के लिए जो पहली ज़रूरी बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि आटा हमें मीडियम सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत सॉफ्ट ना लगाएं। अब आटे को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से लोच लगाते हुए इसे मसलते हुए गूथ लेंगे। इससे आटे में लचीलापन आता है और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल या घी और इसे वापस से हम आटे के साथ गूथ लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मीडियम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है और अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक आटा सेट हो रहा है, आइए हम आलू का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को पहले से बॉईल करके ठंडा कर छील लिया है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आलू को आप बॉईल करने के तुरंत बाद उसे गर्मा गर्म यूज़ ना करें, क्योंकि उस टाइम में उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो पहले इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने दें और उसके बाद ही उसे यूज़ करें। आलू को अब हम मैश कर लेंगे या इसे ग्रेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी मोटे लंप्स ना रहें, क्योंकि अगर इसमें लंप्स रह जाएंगे तो जब हम पराठे को बेलेंगे तो वो फट सकते हैं। तो आलू को ग्रेट कर लिया है, अब हम इसे एक बोल में निकालेंगे और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1.5 से 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, धनिया से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठे में, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें जो हमने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डाली है उसे आप बिल्कुल बारीक काट कर डालें और ये सूखे होने चाहिए, इनमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आलू मसाला है वो भी गीला बनेगा और फिर पराठे फट सकते हैं। आलू मसाला बनके तैयार है और आटे को भी रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं, वो भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम 1 मिनट के लिए फिर से गूथ लेंगे। तो आटा तैयार है, अब हम इसकी लोई तोड़ेंगे। तो लोई को आप बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, इसे मीडियम साइज़ का ही रखें, ये देखिए लगभग इतना। इसे अब हम सूखे आटे में रोल कर लेंगे और इसे इस तरीके से घुमाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसकी साइड्स को पतला और सेंटर को थोड़ा मोटा रखें और इसे ऐसे घुमाते हुए हम इसकी एक कटोरी जैसी बना लेंगे। आप अगर ऐसे लोई को हाथों से बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे इस तरीके से बेल लें। तो इसे हम पूरी के साइज के इतना बड़ा बेलेंगे और जो आलू मसाला बनाया था वो इसमें अब हम फिल कर देंगे। तो जितनी बड़ी हमने लोई बनाई थी उतना ही हम इसमें आलू मसाला भर देंगे और अब मसाले को हम बीच से अंदर की तरफ दबाते जाएंगे और जो साइड में आटा है उसे ऊपर उठाते जाएंगे और बस इस तरीके से हम इसे ऊपर से बंद करते जाएंगे, जैसे हम मोमोज की फिलिंग करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो इसे हम इस तरीके से घुमाते हुए ऊपर से बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे आप निकाल दें और इसे वापस हाथों में घुमाते हुए इसका एक पेड़ा बना लें। तो ये देखिए, ये कितना स्मूथ बना है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। अब इसे हम सूखे आटे में रोल कर लेंगे और पहले हम इसे हाथ से इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि जो आलू है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। अब इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो आप पराठे को बेलते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं, बस हल्के हाथों से ऐसे घुमाते हुए इसे बेल लें और इसके साइड्स ज़रूर बेलें, ये साइड्स में मोटा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये कच्चा रह जाता है साइड से और फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो एक पराठे को बेल के हमने तैयार कर लिया है, इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी बेल लेंगे। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो तवे को पहले अच्छे से गर्म हो जाने दें, उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दें और अब हम इसमें ये पराठा डाल देंगे। पराठे को अब हम करीब एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। पराठों को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है, आप इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल भी ना पकाएं, नहीं तो पराठे हार्ड हो जाएंगे और फिर ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पराठा ऊपर से फूलना स्टार्ट हो गया है, इसमें बबल्स जैसे आ रहे हैं, तो इस टाइम पे हम इसे पलट देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देंगे, आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं। तो एक साइड ऑयल लगा दिया है और अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे। तो ये देखिए ये पराठा कितने अच्छे से फूल गया है। तो पराठे को आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकें, लो फ्लेम पर अगर आप सेकेंगे तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। तो बस पराठे को हम अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है और अब हम इसे तवे पर से उतार लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी सेक लेंगे। एक पराठे को मैंने लोहे के तवे पे सेका है, तो ये देखिए ये कितने अच्छे से सिक गया है। पराठों को तवे से उतारने के तुरंत बाद आप इस पे बटर लगाएं या फिर जो हम घर पे सफ़ेद मक्खन निकालते हैं वो आप इस पे लगा के खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो तैयार है आलू के पराठे, आप इसे दही चटनी या अचार के साथ खाएं, ये सबके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पराठा अभी बहुत गर्म है और आप देख सकते हैं कि बटर इसके ऊपर अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैं एक पराठा आपको अंदर से खोल के दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो आलू मसाला है वो कितने अच्छे से इवनली हर तरफ स्प्रेड हुआ है। तो एक बार आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये पराठे बनाएं, आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल टेस्टी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेस्टी लाइफ।